नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जी के एचटेट और एचएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके पास जो हैं एग्ज़ाम आते हैं सब में आपके पास हरियाणा जी के पूछी जाती हैं और ये उससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन का एक रैपिड फायर मिल जाता है जिसमें आप एक क्विक रीज़न कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जो आपके ये जीके के क्वेश्चन आते हैं ये आपको मोस्टली जितने आपके एग्ज़ाम आते हैं सब में आपको ये मिलते हैं, हरियाणा जो एचएससी के एग्ज़ाम होते हैं आपके पास। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन फर्स्ट से। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 12 जनवरी 1932 को, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1932 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1935 को, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1932 को। तो जो आपका पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में जब स्वतंत्र दिवस मनाया गया था आपका, वो आपका मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है पंचकुला अंबाला मंडल का जिला है, ऑप्शन बी है रेवाड़ी गुड़गांव मंडल का जिला है, ऑप्शन सी है सोनीपत रोहतक मंडल का जिला है, ऑप्शन डी है भिवानी अंबाला मंडल का जिला है। तो यहाँ पर आपका क्या गलत हो जाता है, गलत पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि जो भिवानी है वो अंबाला मंडल का आपका जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है अवधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी कोरवी है वो मूलतः आपकी मानी जाती है खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? ऑप्शन ए है थानेश्वरी रामायण, ऑप्शन बी है कंब रामायण, ऑप्शन सी है आनंद रामायण, ऑप्शन डी है कृतिवास रामायण। तो यहाँ पर जो आपके अहमद बख्श खान थे उन्होंने आपकी क्या जो है प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी थी उनकी, थानेश्वरी रामायण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है पानीपत नगर में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल स्थान निर्मित है, ऑप्शन बी है पानीपत संग्रहालय में मुख्यतः 7 पैनल निर्मित है, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण संग्रहालय 1991 में बनकर तैयार हुआ, ऑप्शन डी है सिरसा से 28 किलोमीटर दूर लुदेसर गांव में एक शहीदी स्मारक है। तो यहाँ पर गलत कथन आपने बताना था कि कौन सा है यहाँ पर, तो गलत कथन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कि पानीपत संग्रहालय में मुख्यतः 7 पैनल निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? ऐसे से जो है आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ऑप्शन ए है रेवाड़ी में, ऑप्शन बी है कैथल में, ऑप्शन सी है नारनौल में, ऑप्शन डी है होडल में। तो जो आपका इब्राहिम खान का मकबरा है वो आपका है नारनौल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? ऑप्शन ए है सफ़ेद पत्थर, ऑप्शन बी है पकी हुई मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है काला पत्थर। तो जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण आपका हुआ था वो आपका हुआ था लाल पत्थर से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संपूर्ण सिरसा जिला का क्षेत्र हरियाणा में शामिल कर लिया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर 1966 को, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 1967 को, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1967 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा में उसको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है चंद्रावल, ऑप्शन बी है बहुरानी, ऑप्शन सी है हरफूल सिंह जाट जुलानी, ऑप्शन डी है वीरा शेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, जो पहली आपकी हरियाणवी फिल्म थी वो थी आपकी हरफूल सिंह जाट जुलानी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग परंपरा की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है 1680 में, ऑप्शन बी है 1700 में,
ऑप्शन सी है 1730 में, ऑप्शन डी है 1760 में। तो जो सांग परंपरा की आपकी शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 1730 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए है गोसेवा आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये है आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके तहत जो है इसको प्रकाशित किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के कालीन में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? ऑप्शन ए है त्यागी, ऑप्शन बी है हरिजन, ऑप्शन सी है बिश्नोई, ऑप्शन डी है मेव। तो वो थे आपके मेव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? ऑप्शन ए है 2003 से 2004 में, ऑप्शन बी है 2004 से 5 में, ऑप्शन सी है 2005 से 6 में, ऑप्शन डी है 2008 से 9 में। तो यहाँ पर जो आपकी डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई वो की गई आपकी 2005 से 6 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सूरभान के निर्देशन में हरियाणा में किस स्थान की खुदाई से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मीताथल, जो आपका जिला भिवानी में पड़ता है, ऑप्शन बी है दादरी, ये आपका ये भी भिवानी में पड़ता है, एलनाबाद, ऑप्शन सी आपका सिरसा में पड़ता है, और ऑप्शन डी सफिंदो आपका जींद में पड़ता है, जो जींद का जिला है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए मीताथल, जिला भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ में आम की बागवानी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से दो शहर फिरोजाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक था उसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए है हिसार और वल्लभगढ़, ऑप्शन बी है हिसार और फरीदाबाद, ऑप्शन डी है हिसार और फतेहाबाद, ऑप्शन डी है कैथल और हिसार। तो जो आपके फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे वो किए थे आपके हिसार और फतेहाबाद, जो है उनको स्थापित किया था दो शहरों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे? ऑप्शन ए है बंसीलाल, ऑप्शन बी है बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन सी है भजन लाल, ऑप्शन डी है हुकुम सिंह। तो यहाँ पर आपके कौन से रहे थे? बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 1939 को करनाल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है नादिर शाह एवं मुगल बादशाह फारूक शेर के मध्य, ऑप्शन बी है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह एवं ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के मध्य, ऑप्शन सी है मुगल बादशाह फारूक शेर एवं हरियाणा के जाट शासकों के मध्य, ऑप्शन डी है अंग्रेजी सेवा एवं सिख जागीरदारों के बीच। तो यहाँ पर आपका जो है ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह एवं ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के मध्य हुआ था करनाल का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है रोहतक, ऑप्शन डी है पानीपत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, पहले स्थान पर आपका महेंद्रगढ़ है ऑप्शन में भी, और आपका सरसों के उत्पादन में भी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है रानिया, ऑप्शन बी है टोहाना, ऑप्शन सी है हांसी का दुर्ग, ऑप्शन डी है आपका बहरामपुर। तो यहाँ पर आपका बनाया था हांसी के दुर्ग को जो है उसने अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1909 ईस्वी में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था? ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है अंबाला, ऑप्शन सी है जींद, ऑप्शन डी है सोनीपत। तो 1909 में आपका रखा गया था अंबाला के जो उपायुक्त थे उनके बंगले पर बम रखा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ मिली? ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है जींद, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो आपकी कहाँ मिली थी वो? ऑप्शन बी सोनीपत में मिली थी हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? पंडित मांगेराम, ऑप्शन बी है पंडित लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी है आपका बाजे भगत, ऑप्शन डी है देवाथराम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है कुंजपुरा, ऑप्शन डी है कुणाल। तो यहाँ पर जो आपका कर्ण के नाम से आपका जो है करनाल जो है कर्ण के नाम से आपका इस जिले का नाम रखा गया, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए है हरियाणा संवाद, ऑप्शन बी है हरिभूमि, ऑप्शन सी है हरियाणा खेती, ऑप्शन डी है हरियाणा शोध पत्रिका। तो यहाँ पर जो आपकी प्रथम पत्रिका थी हरियाणा की वो थी आपकी हरियाणा शोध पत्रिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? ऑप्शन ए है प्राची तीर्थ, ऑप्शन बी है सूर्यकुंड, ऑप्शन सी है देवसर, ऑप्शन डी है कपालमोचन। तो जो आपका अर्धचंद्राकार स्थल है वो है आपका कपालमोचन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 मई 1980 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1990 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1999 को, ऑप्शन डी है 7 मार्च 2001 को। तो जो आपके यहाँ पर स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 26 जनवरी 1999 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद को वेद पुराणों उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीका राम शास्त्री किस गांव से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है जाटी, सोनीपत में पड़ता है जो, ऑप्शन बी है महम रोहतक का, ऑप्शन सी है गोहाना सोनीपत का, ऑप्शन डी है टिटोली, ये भी रोहतक का पड़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिटोली है आपका जो गांव है जो रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी उत्सव को बासोड़ा कहा जाता है? ऑप्शन ए है सलोनी, ऑप्शन बी है सीली साते जिसको शीतला अष्टमी भी आपका कहा जाता है, ऑप्शन सी है निर्जला ग्यारस, ऑप्शन डी है भादलिया नवमी। तो यहाँ पर आपका कहा जाता है सीली साते को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास की जन्मस्थली कौन सी है? ऑप्शन ए है गोहाना जो सोनीपत में है आपका, ऑप्शन बी है कलायत जो कैथल में है, ऑप्शन सी है जांटी जो आपका सोनीपत में है, ऑप्शन डी है सीही फरीदाबाद में है। तो स से आपका सीही और स से आपका सूरदास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीही जो आपका गांव था जो फरीदाबाद में पड़ता है वो सूरदास की जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गुन मास में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए है धमाल नृत्य, ऑप्शन बी है फाग नृत्य, ऑप्शन सी है रास नृत्य, ऑप्शन डी है दास नृत्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? फाग नृत्य, फर्स्ट है आपका फाल्गुन और फर्स्ट है आपका फाग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फाग नृत्य आपका फाल्गुन मास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है आपका वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2010 में। तो यहाँ पर आपकी की गई थी उसकी घोषणा वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह ज़िला कौन सा है जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसे हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है पंचकुला, ऑप्शन डी है जींद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करनाल। जो आपका करनाल है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे। ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है आपका सिरसा, ऑप्शन डी सी है भिवानी और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो आपके जो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपी चंद, वो आपके सिरसा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, यह वक्तव्य किस स्थल से संबंध है। ऑप्शन ए है आपगा, ऑप्शन बी है बाणगंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन डी है सूर्यकुंड। तो ये आपका किससे जो है संबंध रखता है, ऑप्शन ए आपगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु वाद्य श्रेणी का वाद्य कौन सा है। ऑप्शन ए है सारंगी, ऑप्शन बी है मृदंग, ऑप्शन सी है झांझ, ऑप्शन डी है बांसुरी। तो जो आपका तंतु वाद्य श्रेणी का आ जाता है कौन सा आएगा आपके पास, इसमें सारंगी आ जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़ गुड़गांव, ऑप्शन बी है सिरसा हिसार, ऑप्शन सी है भिवानी रोहतक, ऑप्शन डी है फरीदाबाद गुड़गांव। तो जो आपका क्वार्टर्स है वो आपका पाया जाता है महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है। ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी है पश्चिमी, ऑप्शन सी है दक्षिणी, ऑप्शन डी है उत्तरी। तो जो आपकी यमुना नदी है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन ए है आपका पलवल, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है नू, ऑप्शन डी है सफिंदो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो नू है उसमें आपका रेलवे स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है रोहतक। तो यहाँ पर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, ऑप्शन सी फरीदाबाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।